दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को तवज्जो दें, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने घमंड में चूर होकर के की है शर्मनाक हरकत। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने खुलासा कर दे दिया दिल दहला देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के महान बल्लेबाज ईशान किशन पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा विवाद में चल रहे हैं। इस दौरान बीसीसीआई ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया। इसके बाद काफी ज्यादा बवाल पैदा हो गया। इस बीच बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने हैरान कर देने वाला खुलासा कर दिया है। इस बीच उन्होंने ईशान किशन की शर्मनाक हरकत के बारे में बताते हुए एक ऐसा हैरान कर देने वाला बयान जारी किया जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार ईशान किशन ने कौन सी शर्मनाक हरकत करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, तो आपको बताएंगे ही। साथ में बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने खुलासा करते हुए क्या कहा, इस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने शामिल न करते हुए सही किया या गलत? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है। लेकिन इस बीच टेस्ट सीरीज की दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट में विवाद पैदा हो चुका है। दरअसल हाल ही में बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024-25 का ऐलान कर दिया, जिसमें कई बड़े खिलाड़ियों को शामिल ही नहीं किया गया। हालांकि कुछ बड़े खिलाड़ियों के शामिल होने से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बाद काफी ज्यादा बवाल पैदा हो गया है। और इस दौरान ईशान किशन श्रेयस अय्यर से काफी ज्यादा समय से बीसीसीआई नाराज चल रहा था, जिसके चलते दोनों को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। दरअसल हाल ही में बीसीसीआई ने ऐलान करते हुए कहा था कि कोई भी खिलाड़ी अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो वह पूरी तरीके से फिट है, तो उसे घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है तो उसे अपनी रिपोर्ट के साथ फिटनेस एनसीए के अंदर रहकर टीम की देखरेख में सही करनी होगी। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों ने नियमों का उल्लंघन किया, जिसमें ईशान किशन पर काफी ज्यादा आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में बीसीसीआई ने हैरान कर देने वाला खुलासा कर दिया, जिसमें उन्होंने ईशान किशन की शर्मनाक हरकत के बारे में बताया है। इस दौरान बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रखकर आईपीएल मोड पर जाने होने वाले थे। ऐसे में हमने नियम का ऐलान कर सभी को वार्निंग दी, लेकिन अब ईशान किशन के ऊपर नाइंसाफी का आरोप लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। बल्कि हमने तो भारत बनाम इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के दौरान ईशान किशन से बातचीत की थी, वो टीम में आना चाहते थे या नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमको ध्रुव पर दौ खेलना पड़ा। इस वजह से ईशान किशन को हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को तवज्जो देनी छोड़ दी है और आईपीएल की तैयारी में जाना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईशान किशन ने जो कुछ किया वो सही है या गलत? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।